हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सिखाने वाली हूँ। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास जिनके लिए हमें मतलब डॉट डॉट वाला मोशन क्रिएट करना पड़ता है, और ये डॉट डॉट एनिमेशन आप कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैंने आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर लिया है। इसके बाद ये कॉम्पोजिशन भी ले लेती हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कई टाइप के शेप दिखाई देंगे, रेक्टेंगल, सर्कल, इसमें आपको बहुत सारे शेप मिलेंगे यहाँ पे। और ये है एक पेन टूल जिसके द्वारा आप लाइन टूल बना के ड्रॉ कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको दोनों दिखाऊंगी, लाइन से भी आप कैसे कर सकते हैं और शेप से भी आप कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप शेप से कैसे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये शेप का टूल लिया मैंने, रेक्टेंगल ले लेती हूँ, और यहाँ पे आपको फिल को कर देना है नन, ओके। एंड यहाँ पे देखिए स्ट्रोक, ये मैं वाइट कलर ले रही हूँ, आपको नन नहीं करना है स्ट्रोक को। यहाँ से आप वाइट कलर ले लें या जो भी कलर आपको पसंद हो वो ले लें, और स्ट्रोक का साइज़ 3-4 के बीच में रख सकते हैं या फिर आप 5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक स्क्वायर ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे स्ट्रोक के अंदर जाना है, स्ट्रोक 1, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं डैशेस। इसके आगे आपको एक प्लस का साइन दिखाई देगा, आपको इस प्लस के साइन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस प्लस के साइन पर क्लिक किया और यहाँ पे मुझे ये डॉट डॉट दिखाई देने लगे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है ऑफसेट वैल्यू इन डॉट डॉट को इस टाइप से एनिमेट करने की। यहाँ पर देखिए मैं एक ऑफसेट पर की फ्रेम ऐड करती हूँ और स्टार्टिंग में रख देती हूँ इसकी वैल्यू 0, और यहाँ पे मैं रख देती हूँ इसकी वैल्यू 1500। ये देखिए, तो अब मैं इसको जब प्ले करूँगी तो यहाँ पर देखिए ये मेरा डॉट डॉट प्ले होने लगा है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्लो हो प्ले तो आप 1500 की जगह वैल्यू 1000 रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं फास्ट हो तो आप इसकी वैल्यू को 3000 रख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पे अगेन से प्लस के साइन पे क्लिक करती हूँ, वापस से ये डैशेस के आगे प्लस का साइन है, मैं इस साइन पर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर देखिए मुझे एक और ऑप्शन दिखाई देने लगा है, वो है कैप। तो यहाँ पर देखिए ये है गैप। यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं अगर इसका साइज़ बढ़ाऊँगी तो इनके बीच में गैप कम होने लगा है, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग भी गैप को कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये है डैशेस, आपको कितने बड़े डैश चाहिए यहाँ से आप डैश का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा बट कैप, राउंड कैप। तो देखिए मैंने यहाँ राउंड कैप लिया तो ये राउंड कैप हो गया, प्रोजेक्टिंग कैप है ये, तो फिलहाल मैं रहने देती हूँ इसको बट कैप, और मैं इसकी स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा कर देती हूँ, समथिंग लाइक दिस। सो देखिए ये कुछ इस टाइप का एनिमेशन क्रिएट हो गया है। इसी तरह दोस्तों आप लाइन का भी कर सकते हैं, मैं लाइन का भी बताती हूँ आपको। ये अभी मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, और अब मैं आती हूँ लाइन यानी कि पेन टूल पे। ये मैं पेन टूल पे आने के बाद यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ, कुछ भी शेप ले लेती हूँ मैं अभी फ़िलहाल। ये मैंने शेप ले लिया है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको जाना है वापस से यहाँ पे कॉन्टेक्ट के अंदर। कॉन्टेंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रोक 1 में जाना है। स्ट्रोक 1 में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई देगा डैशेस, प्लस के साइन पर क्लिक कर दे, ये डैश आ गया। उसी तरह आप अगेन से अगर आप डैश के आगे प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे तो गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल दोस्तों मुझे चाहिए एनिमेशन, और एनिमेशन करने से पहले दोस्तों अगर आप इसके शेप को मॉडिफाई करना चाहें तो आप यहां से इस पाथ पे क्लिक करके इसके शेप को भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप जैसा चाहें इसको बना सकते हैं शेप को भी, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ। ये है ऐड। ऐड के आगे आपको दिखाई देगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है इस ऑप्शन पे,
और इसके बाद आपको करना है ट्रिम पाथ। ये देखिए मैंने ट्रिम पाथ पर क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर ट्रिम पाथ्स की वैल्यू आ गई। मैं इस वैल्यू के अंदर जाती हूँ और यहाँ पे वैल्यू के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे एंड पर एक की फ्रेम ऐड कर दूँगी और इस 100 स्टार्टिंग में देखिए हमारा एंड वैल्यू का साइज़ है 100। मैं इसको पीछे तक कर दूँगी, मैं चाहती हूँ ये 0 से शुरू होके 100 पे ख़त्म हो। तो देखिए ये कुछ इस टाइप से 0 से शुरू होके 100 पे ख़त्म होगी। अगर आपको लगता है ये बहुत स्लो चल रही है तो आप इन दोनों की फ्रेम के बीच की डिस्टेंस को कम करके इसका एनिमेशन साइज को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया एनिमेशन और मैं चाहती हूँ ये जैसे ही पीछे वहाँ आगे तक पहुँची तो पीछे से ये ख़त्म होने लगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट वैल्यू पे की फ्रेम ऐड करते हैं और यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ रखती हूँ और यहाँ पे इसको करती हूँ 100। तो देखिए ये कुछ इस टाइप का, जैसे ही देखिए दोस्तों ये जैसे ही ऊपर बढ़ रही है वो पीछे से ख़त्म भी होने लगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, स्टार्ट वैल्यू को रखना है 0 और एंड वैल्यू को रखना है 100। ये देखिए ये यहाँ तक पहुँची और ये पीछे से ख़त्म होने लगेगी। सो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस ट्यूटोरियल को एक बार अपने मन से खुद करके देखिए, इस वीडियो को देख के करिए, तब जाके आपको और अच्छा समझ में आया होगा। तो दोस्तों आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, और नहीं आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मुझे पूछिए कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आई है। सो आशा करती हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।